मैं यही कह रहा था कि देखिए साहब, मैं बहुत ही गरीब परिवार से स्वतः अपने आप को निकाल पाया हूँ, और मेरा गांव बनारस से पास ही आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट है। हाँ मैं बेसिकली रहने वाला वहां का था, पोस्ट ऑफिस नरसिंहपुर हाँ लालगंज आजमगढ़। और आपका पैदाइश कौन से साल में हुआ? अच्छा देखिए साहब, ईमानदारी से तो मेरे परिवार में मेरा मदर फादर ये लोग पढ़े लिखे नहीं थे, तो हाँ जो चूंकि गांव में जो टीचर ने वो लिख दिया है, डेट ऑफ बर्थ दे दिया है, टाइम दे रखा है, वही माँ हम लोग फॉलो करते हैं, क्या करें। वह सत्य नहीं है, थोड़ा सा मुझे लगता है कि 1-2 साल मुझे बड़ा करके सर्टिफिकेट में लिखा गया है। ये कौन से साल में आपका, मतलब 1951 1951? अच्छा ठीक है। जी हाँ, जिस साल, मतलब एक साल बाद कॉन्स्टिट्यूशन के, हाँ जी मतलब हाँ जी एक हाँ साल बाद हुआ जब हम एक रिपब्लिक हाँ बने। तो फिर मेरा एजुकेशन बड़ा ही मतलब जो स्कूली शिक्षा है वह यूपी के बिल्कुल पाठशाला में हुई है, जिस तरह के आप जानते हैं किस तरह के पाठशाला गांव में हुआ करते हैं। लेकिन जो मुझे आर्ट टीचर ने मुझे जो लालगंज SKGN इंटर कॉलेज लालगंज से मैं इंटरमीडिएट 10+2 किया था, तो वहां पर जो एक आर्ट टीचर जो थे श्याम नारायण सिंह करके थे, मास्टर साहब क्या नाम था? थे श्याम नारायण सिंह, श्याम नारायण सिंह। और ये कौन सा कॉलेज का नाम वापस बताएंगे? ये SKGN इंटर कॉलेज कहाँ, आजमगढ़ में? तो लालगंज में पढ़ता है। तो उन्होंने मुझे बहुत, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट बचपन से था आर्ट में, लालगंज में आपने साइंस पढ़ा, मतलब हाई स्कूल का, इंटर का? हाई स्कूल में पढ़ा, +2 में भी मेरा साइंस ही था, अच्छा हाँ, लेकिन मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आया था, तो फिर आपने श्याम नारायण सिंह आर्ट वहां पर में आपके मिला। पढ़ाए हाँ पढ़ाते थे आपको हाँ वो जी हाँ, आर्ट? वही जो पढ़ाते थे, तो हाँ, उसी में मैंने वहां पर तो आर्ट लिया था। और इलेवेंथ ये साहब अपने से आर्ट कहाँ पढ़े थे? शांतिनिकेतन? बॉम्बे आर्ट मेरे ख्याल से किए हुए थे, जो एक इंटरसेक्शन के लिए यूपी में हाँ। जो मान्यता थी शायद वही उन्होंने किया था, अच्छा +2 करने के बाद वो भी शायद यही किए रहे होंगे बॉम्बे अच्छा आर्ट, तो तो वहां फिर पर वो टीचर। अब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जब जी आप हाँ आए, तो आपने मतलब कैसे चालू किया? मतलब उस समय आपका क्या सोच था कि आप आर्ट किस किस चीज के लिए करेंगे? आर्ट आप पढ़ाने के लिए करने वाले थे कि आर्ट को, तो आर्टिस्ट नहीं, बनने के लिए पहली करें? बात तो मैं जब वहां से आया था, हाँ मुझसे एक सीनियर स्टूडेंट हाँ थे जो आजकल प्रोफेसर, उन्होंने पहले 1 साल पहले मुझसे BFA में एडमिशन लिया था। उस समय तो मुझे मालूम ही नहीं कि आर्ट क्या होता है, तो यह श्री श्याम नारायण सिंह ने ही बताया कि ऐसी विधा है आर्ट। डॉक्टर राम शब्द सिंह करके थे, वो अच्छा एडमिशन ले चुके थे, हाँ तो उन्होंने भी मुझे करीब 1 साल पहले गाइड किया हाँ जर्नी भर कि हाँ इस तरह के पेपर होते हैं, इस तरह के करिएगा, इस तरह का यह होता है। कुछ बुक्स वगैरह भी प्रोवाइड करवाया मास्टर साहब ने ही, कि उस पर कुछ रिटन पेपर भी आएंगे तो आप देख लेना। तो तैयारी मैं उसी उन्हीं के गाइडलाइन में ही किया, और यहाँ आने के बाद तो देखिए साहब, BFA तक तो इतना काम करना होता है कि उसको कोई इस तरह की चीज बन नहीं पाती है, लेकिन एक उम्मीद तो रहती है कि जीवन में हम कहीं सक्सेस हो सकें, कुछ कर सकें, और जब तक कुछ हम करेंगे नहीं, तो फिर आर्ट करने के लिए हमारे पास कोई कुछ तो माध्यम, सोर्स ऑफ इनकम तो चाहिए मुझे जिंदा रहने के लिए और आर्ट करने के लिए। तो ये प्राथमिकता तो थी, और अच्छा मेरी मेरी बैकग्राउंड बहुत अच्छी स्थिति नहीं थी। मैं जब एडमिशन लिया तो मेरे से बड़े भाई थे, आसनसोल में कोल मिल में काम करते थे, उनका कोल भी बंद हो गया, तो मेरे लिए बड़ी परेशानी हुई, और उनसे छोटे एक बॉम्बे में रहते थे जो टेक्सटाइल मिल में थे, तो उनका मिल कभी काम करता था कभी नहीं। थर्ड ईयर में जब गया मैं,
तो स्वतः टेक्सटाइल में बनारस में नौकरी करने लगा। क्या नौकरी करते थे आप उस टेक्सटाइल में? पार्ट टाइम जॉब करता था तो बनारसी बनारसी डिजाइन के बारे में। आप डिजाइन बनाते थे कि आप टेक्सटाइल डिजाइन का मैंने काम किया। हाँ, और वो डिजाइन का कोई पैटर्न आपके काम में आया है? मेरे काम में तो नहीं आया, उसी डिजाइन के आधार पर मैं एमपी गवर्नमेंट में 7 साल तक टेक्सटाइल में टेक्सटाइल डिजाइनर रहा। कहाँ पे? मध्य प्रदेश? भोपाल। हाँ जी, मध्य प्रदेश भोपाल में। तो आप ये सब महेश्वर यहाँ सब जाया करते थे? हाँ हाँ जी हाँ, महेश्वर वगैरह सब मेरे अंदर में ही था, वहाँ पर हम सारी डिजाइन वहाँ का करते थे हम। और कुछ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बारे में बताएंगे, जहाँ पे क्या होता था आपके वो जो समय था बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, आप कोई टीचर रहे होंगे, कोई कोई ऐसा कोई इंटरेक्शन रहा होगा किसी आर्टिस्ट के साथ? बिल्कुल बिल्कुल रहा। मैं जब हिंदू यूनिवर्सिटी में तो हमारे यहाँ फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर 2 साल का फाउंडेशन कोर्स होता है। 2 ईयर्स फाउंडेशन कोर्स होता है। यहाँ पर 3 विभाग थे, पेंटिंग, मूर्तिकला और व्यवहारिक कला। और इसके बाद जो है एक पेपर हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स का हुआ करता था। तो उसमें एक अपने ही लोगों में प्रोफेसर गोकुल प्रसाद थे, जो प्रारंभिक क्लासेस में उनका एक क्लास था, तो उनका उनका काम मुझे बहुत पसंद आता था। गोकुल प्रसाद? अच्छा। हाँ, यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरर होके ही विचार कर रहे हो। अभी तो है भी नहीं। सीग्रेटी काम था और एक बड़ा ट्रेडिशनल टाइप का था। और ट्रेडिशनल मतलब इंडियन मिनिएचर से ये खाता था? इंडियन मिनिएचर से संबंधित तो नहीं था। हाँ। मिनिएचर, लेकिन मिनिएचर से बड़ा काम था उनका। म्यूरल पर एक तरह से कहने आप, म्यूरल पर जिस तरह से क्या काम था, क्योंकि उस समय उनके गुरु थे जेएम अहिवासी जी, जो अहिवासी जी यहाँ पर थे, तो उसी उन्हीं टाइप का इन लोगों का था। उस समय बनारस में एक चीज आप हमको बता पाएंगे कि बनारस में कैसा, कौन सी शैली में मतलब कला का प्रोत्साहन होता था? उस समय बड़ी प्रतिद्वंद्वता थी। प्रोफेसर के एस कुलकर्णी वो हम मॉडर्न कंसेप्ट को ज्यादा जोर देते थे। अच्छा। और एक मिस्टर दिलीप कुमार, दिलीप दास गुप्ता थे। हाँ। जो दिल्ली आर्ट्स कॉलेज से अप्लाई से किया हुआ था, लेकिन पेंटिंग में विमल दास गुप्ता के छोटे भाई थे। अच्छा। तो वो भी मॉडर्न आर्टिस्ट थे। क्योंकि कभी कभी एक आध बार मैंने देखा है कि बनारस से जो काम आता है वो काम अगर आप देखें तो वो काम बंगाल स्कूल का जो वॉश टेक्निक है वाटर कलर में, वो ज्यादा मैंने देखा है। और क्योंकि मेरा भी नाता बिहार और फैजाबाद से है, अयोध्या से है, तो वहाँ पे हमने कभी कभी एक आध बार हम कई लोगों से मिले हैं जो जो मतलब वहाँ बनारस से पढ़ के आए हैं, मतलब पुराने लोग, और वो सब लोग वॉश में काम ज्यादा करते थे। जी हाँ, पहले वैसे ही काम होता था यहाँ। जिसमें हम लोग आए हैं, हाँ, तो उस समय प्रोफेसर के एस कुलकर्णी की वजह से एक ये ट्रेड बहुत तेज बढ़ा। क्योंकि देखिए साहब, बीएफए थर्ड ईयर फोर्थ ईयर तक हम लोगों को फिगरेटिव काम ही करना पड़ता था। टेम्परा में हुआ, वाश में हुआ, पोर्ट्रेट हुआ, लाइफ ड्राइंग हुआ, ये सब काम करना पड़ता था। लेकिन फोर्थ ईयर जब बीएफए फोर्थ ईयर में जब हम आते हैं तो वहाँ पर कंपोजिशन में ये हम लोगों को छूट मिल जाती है कि आप फिगरेटिव भी कर सकते हो, नॉन फिगरेटिव भी कर सकते हो। और एक चीज हजूर, एक चीज और बताइएगा हमको कि आपका शैली, अपना एक जो समझ है और अपना शैली कब बना आपका, जो मतलब एक चित्रण का जो एक शैली है जो आप अपना, जो आज आपके काम में
बहुत विकसित है उसको, वो कब बना, कब कैसे बना, उसके बारे में कुछ बताएं। यह मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं 1978 में मास्टर कोर्स किया जब यहाँ से। हालांकि मॉडर्न काम तो हम इस तरह की शैली में, लेकिन वो मैं आयल कलर पर करता था। ये ड्राइंग का काम जब मैं इस 14 साल सर्विस करके आए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी इसके पहले काम है, यहाँ पर आपकी नोट प्रेस है, नोट प्रेस मिंट में भी काम किए हैं, मिंट में नहीं किया हूँ, सिक्योरिटी प्रेस, नोट प्रेस, उनकी डिजाइनिंग मैं 7 साल तक वहाँ किया था। आपने कोई नोट, आपको अभी याद है जिस नोट में आपका कोई डिजाइन दिखता है? नहीं है वहाँ पर। लेकिन फिर आपने तो आपका शैली कब चालू हुआ, तब आप बता रहे थे? यह शैली मैं जो आया हूँ 1993 में जब मैं बनारस हिंदू में ज्वाइन किया एज एलेक्टर, क्यों नहीं कुछ ऐसी शैली और ऐसे आधार पर काम करें जो कहीं भी रहें, हम रास्ते में भी चलते रहें, बस में भी सफर करें, ट्रेन में भी सफर करते हों, तो आप अपनी अभिव्यक्ति उस शैली में मैं व्यक्त कर सकूं। तो यह काम मैं 1993 से पूर्ण रूप से शुरू किया। तब इससे ये मुझे समझ में आता है कि क्योंकि जो आदमी मतलब ट्रेन या मतलब बस में सैर करते हुए अपना अभिव्यक्ति अपना शैली का इस्तेमाल करना चाहता है, तो उसके कहानी में भी मतलब वो होगा जहाँ पे जो मतलब वो दिनचर्या और मतलब जिंदगी लोगों का। वो तो मैं बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। नहीं, दूसरी चीज ये भी थी साहब ने, उस समय एक कंसेप्ट था लोगों में कि आयल कलर, कैनवस और भी मतलब कैनवस पर काम करने से ही आर्ट आर्ट होता है। मेरा ऐसा सोचना उस समय बिल्कुल नहीं था। हम बोले केवल यह पैसे वालों के लिए ही अभिव्यक्ति का कोई माध्यम नहीं होना चाहिए। अगर गरीब है उसके पास कैनवस नहीं हो सकते हैं तो पेपर पर भी अपनी अभिव्यक्ति का उसको आजाद अपनी अभिव्यक्ति कर सकते, पेपर पर भी सिंपल माध्यम से कर सकते। तो यह जो मेरे भीतर जो थॉट विकसित हुआ, मैं उस चीज को लेकर उस पर काम करना शुरू। और फिर चित्रण भी वैसे ही लोगों का कर रहे होंगे, मतलब जैसे जो जब आप बस में बैठकर कुछ मतलब पेंसिल से कुछ खींच रहे हैं तो सामने बैठा वाला पोर्ट्रेट, सामने बैठा वाला भी तो एक मतलब एक आम आदमी है, एक गुरबा आदमी है, वो आदमी भी अपने दिनचर्या में ही मतलब व्यवस्थित है और आप उसका एक पोर्ट्रेट बना रहे हैं। तो एक तरीके एक लोक कलाकार नहीं करेंगे लेकिन लोगों के कलाकार को तो कहा जा सकता है ना, क्योंकि ये चीज मैंने जब उत्तर प्रदेश से आर्टिस्ट को देखा हूँ, जो भी मैंने मतलब हमारे तरफ के आर्टिस्टों से देखा है, तो कभी भी लोगों का रिप्रेजेंटेशन या लोगों का चित्रण नहीं हुआ है काम में। ज्यादातर आप देखें तो सुंदर नारियों का भगवान से मतलब भगवान को लेकर के कोई टॉपिक है या मतलब रोमांटिक टाइप के काम या वैसे लिटरली मतलब लिटरल टाइप के काम बन रहे थे या लोग एब्स्ट्रैक्शन से अपना नाता जोड़ते हैं। आपके काम में मैं देखता हूँ कि उसमें बहुत ही अच्छा एक मतलब लोक चित्रण है। मुझे लोक चित्रण से ही मैं प्रभावित हूँ। जिस जीवन में जिस परिवेश में मैं जिया हूँ, मेरे दिमाग से वह परिवेश बहुत मायने रखता है साहब। और मैं जब काम करता हूँ उन वो परिवेश ऑटोमेटिक अपने आप आते जाते हैं और मैं उन्हीं पर शैली मेरी चाहे जो भी हो, मैं सब्जेक्ट मैटर मेरा वही होता है कि मैं उन्हीं के इर्द गिर्द ही अपने ढंग से देखने का तरीका मेरा अपना होता है। मुझे लोगों के काम जब ये दिमाग में आता है कि जो आदमी अपने जीवन इतने कष्टमय ढंग से गुजारा हो उसके जितने अभिव्यक्ति में गुलाब के फूल या सुंदर नारी नहीं आ सकती, उसके अभिव्यक्ति में हमेशा वही मजदूर और काम करने वाला वही एक ऐसा चित्रण आता है जिसमें कि गरीब तबके के ही लोग जाते आते हैं। और आपका जीवन परिचय अपने काम में दिखता है, जहाँ पे आप कहीं अपने जो बचपन अपने गांव में बीता बिल्कुल और जो आपके रिश्ता अपनी माँ
पिताजी बहन भाई से रहा होगा, वो सब जीवन परिचय अपने काम में कभी दिखता है, कभी आता है उसमें? बिल्कुल, मेरा उसी के इर्द गिर्द ही मेरा काम रहता है। जिस परिवेश में मैं पला हूँ, जिया हूँ, मेरे काम में उसका पूरा पुट होता है। और आपके जो पिताजी थे वो क्या करते थे? बहुत ही साधारण किसान थे, बिना पढ़े लिखे किसान थे। आपकी माई क्या करती थी? माँ भी गृहिणी थी घर की, जैसे आम औरतें। लेकिन कहीं आपके यहाँ पे, आपके समाज में आपके जो लोग थे, उन लोग कभी कोई लोक कलाकार करते थे जिसमें आपका कोई रुचि था, जिससे आपको कलाकार की तरफ रुचि बढ़ा चुकी? नहीं, ऐसा तो नहीं था। लेकिन हाँ, जैसे शादी ब्याह हुआ, तो मुझे बड़ा शौक होता था लोगों का कोहबर बनाना। शादी ब्याह में मंडप होता है तो अल्पना बनाना, ये सब मेरा बचपन से ही था। क्योंकि हम भी गांव से आते हैं, बिहार में एक गांव है समस्तीपुर में, तो वहाँ पे मैंने बहुत अक्सर ये देखा कि जो मतलब बहुजन समाज के जो लोग हैं, जो उनसे कलाकृति बनाया जाता था शादी विवाह ये सब चीज के समय में, उनके जो धर्म स्थल हैं, जो हमारे भी धर्म स्थल हैं, जैसे राजा सलहेस हैं, चूहा चोर राजा, इन लोग के जहाँ पे हम लोग जाते थे देखने के लिए, तो वहाँ पे बहुत अच्छी, बहुत सुंदर तरीके से कलाकृतियाँ बनाए जाते थे, या उनके दीवारों में वही मतलब गोबर का लेप जब होता है तो वही टांटी के घर पे भी उन लोग कई तरीके के मतलब रिलीफ स्कल्पचर्स बनाते हैं बहुत। जी हाँ जी हाँ। तो वो चीज पे मैंने कभी किसी आर्टिस्ट को काम करते हुए नहीं देखा है, ना मैं किसी को जानता हूँ, लेकिन मुझे ये था कि मैं आपसे पूछूं, कहीं आपका उससे कोई एक। मैं बिल्कुल किया था। मेरा रुझान शुरुआत एक तरह से कहें तो उन्हीं चीजों से लेकर हुई है, उन्हीं चीजों से। मैं खुद ही अपने गांव में अपने घर पे ही मिट्टी का मकान हुआ करता था, उसके दीवारों पर मैं खुद ही चित्र बनाया करता था। और किसी के यहाँ भले मैं जाऊं, पर इर्द गिर्द में जब शादी ब्याह पड़ती थी तो मुझे लोग कहते थे कि नहीं, चलिए आप बना दीजिए, अल्पना बना दीजिए, कोहबर बना दीजिए। तो मैं वो काम करता था, अब मुझे बड़ा शौक था वो काम करने। मैं बहुत खुश हूँ ये सुन करके, क्योंकि जब मेरा बचपन था तो एक आदमी मेरा ख्याल रखता था, उनका नाम था नथनी सदा, वो आज भी हैं। तो वो मुझे यही सब सिखाते थे, कैसे मतलब टांटी का घर बनाना है, ऐसे घर में बैठे हुए थे उसमें क्या अल्पना होता है, और राजा सलहेस का क्या कहानी है, और ये सब चीज एक तरीके से आज का जो एक युवा है वो नहीं जानता है इस चीज को। हाँ जी हाँ। और जैसे मेरे पिताजी जो थे, ये पुआल से बैठने का मोरा या मचिया या खटिया, चारपाई जो है, वो सब बुनना बड़ा अच्छा करते थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। उसमें जो डिजाइन वो निकालते थे वो मुझे बहुत ही प्रभावित करता था, मुझे लगता था ये मुझे भी आना चाहिए। हाँ, वो सब तो लोग अब भूल गए। वो मोढ़ा तो मैं भी जानता हूँ, वो मोढ़ा मेरे पास भी था, लेकिन अब वो मोढ़ा बनता ही नहीं है कोई, हम बहुत सालों से ही नहीं देखे हैं। और उत्तर प्रदेश का तो हालत खराब है, वहाँ पे तो कोई लोग अब वो डाई का बनता है, मतलब डाई का जो मूर्ति यहाँ बनती है, नहीं तो अब सब कुछ प्लास्टिक में तब्दील हो चुका है। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। तो वो बहुत ही बड़ा मतलब दुखद बात है वहाँ पर देख। और यह मेरे पिताजी का जो एक क्राफ्ट टाइप का जो उनका इंटरेस्ट था, वह मैं पांच भाइयों में सबसे छोटा था, लेकिन और किसी में मैंने नहीं देखा, केवल मेरे अंदर ही वो चीज थी जो मुझे अच्छा लगता था। तो जब मैं उनसे पिताजी से कभी कहता था कि मुझे भी बताइए, तो वो कहते थे नहीं, ये काम नहीं करना, यही काम नहीं करना, पढ़ो लिखो पहले। यही तो एक दुख का बात है ना, कि मतलब जो शोषण के कारण जो अच्छे धरोहर हैं वो भी लोगों ने मतलब अपने से हटा दिया, भुला दिया। जैसे मरुआ का रोटी खाना, अच्छा मरुआ का रोटी खाना सबसे अच्छा, और लोग खाते नहीं है मरुआ का रोटी क्योंकि उनको लगता है कि इसका एक जाति विशेष से मतलब संबंध है। बिल्कुल बिल्कुल सही। और वो लोग आटा खाने लगे हैं, मालूम है। मेरे पास खुद ही मरुआ के पेड़ थे, हाँ, तो उससे जो मेरे घर में खुद बनता था मैं भी उस चीज को खाया।
हाँ, क्योंकि मैं तो मरवा अब हर दिन खाता हूँ क्योंकि वो सेहत के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन जो लोग हमारे लिए खाना बनाते हैं वो हंसते हैं कि भाई ये तो गोरू को खिलाने का काम है, मालूम है जो मतलब माल गोदाम ये जो जानवर है मवेशी के लिए आप खा रहे हैं। कई लोग धरोहर भी हम भूल चुके ना, क्योंकि जो एक सामाजिक जो उससे रिलेशनशिप बनाया गया था, मालूम है ना कि ये खाने से आप ये हैं, कुछ हमारी सामाजिक मान्यताएं भी थी सामने, कदर उसे हेत दृष्टि से देखती थी। हाँ। कि उसे आदमी भूलेगा ही भूलेगा, उसे उसे मान्यता नहीं मिली कभी, कारण वो जो है वो लुप्त होता गया और जो जानते थे वो कला उनके अंदर दफन होती गई, उनसे दूसरों में नहीं आ पाई। यह बिल्कुल एक जैसे कहते हैं ना हमारी सामाजिक सहजता नहीं थी, सजगता नहीं थी इस चीज को ये धरोहर रखना चाहिए, इसे बरकरार रखना चाहिए। आपसे हम एक पूछना चाहते हैं, जब आपका जो समय है जिंदगी जो गया उसमें आपके कोई आपने कभी कोई वर्कशॉप में आपने पार्टिसिपेट किया जहाँ पे आपने अलग प्रांतों के आर्टिस्ट से मिले, या कोई सीनियर आर्टिस्ट से आपका कोई मुलाकात रहा उसमें शांति निकेतन से कोई रहे होंगे आपका कुछ ऐसा कोई सब यादगार एक ऐसा कोई? हाँ, अभी अभी 2 साल पहले ही मैं एक सिडनी का इंडिया स्टैंड पर ज्वाइन किया था बहुत दिनों के बाद, जो बेंगलोर में हुआ था, तो अभी जो काफी लोगों से मिला था, काफी बड़े आर्टिस्ट लोगों से मिला था, तो इस तरह के कैंप वगैरह में स्टूडेंट लाइफ में भी एक दो किया है। जैसे ये कौन रहा होगा, मतलब कौन थे, मतलब आपने जैसे मैं जानता हूँ कि लखनऊ में उस समय वो रहा करते थे परितोष सेन रहते थे, परितोष बाबू के नीचे एक विद्यार्थी था उनके नीचे, जो आज अगर उसका काम देखें तो वो परितोष बाबू के जैसे लेकिन अफ्रीकन जीवन का चित्रण करता है, शैली करता है। तो ऐसा ऐसा मैंने कभी कभी उत्तर प्रदेश में ऐसे कई कहानियां हैं जो हम नहीं जानते हैं और उसके बारे में लोग भूल भी चुके हैं और वही चीज। हाँ, अभी 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 जैसे उत्तम प्रचारणी जो था अभी जो चेयरमैन है का, हाँ, वो रहने वाले महाराष्ट्र के ही हैं, वहाँ भी उस वर्कशॉप में भी एक दिन उन्होंने काम किया था और एक सेट्टी करके हैं, उनका डिटेल्स पूरा नाम क्या है। मैं आपके बचपन के समय का बात करना चाहता हूँ, स्टूडेंट में हम कहीं प्रभावित हुए किन्हीं के काम से? देखिए सर, स्टूडेंट में मैं अपने काम में ही जो मुझे काम करना होता था उसी में मेरा इतना टाइम चला जाता था कि मुझे बहुत कम चांस ऐसे मिले हैं। आपका विदेश भ्रमण हुआ क्या? क्योंकि आपका काम मैंने देखा कि मॉस्को में दिखा, कहीं पे तो दिखाया गया है, मैंने आपका जब सीवी पढ़ा था, तो कहीं आपका काम कहीं गया था फेस्टिवल ऑफ इंडिया या कहीं पे? मेरा एक काम गया था, ताइवान गया था, वहाँ पर सेलेक्ट हुआ था, दोबारा हम भेज नहीं पाए थे कहीं और। और आप कई बच्चों के गुरु रह चुके हैं, जैसे आप एक प्रोफेसर थे और तब आप अपने कौन से साल से आपने प्रोफेसरशिप धारण किया, और जब आप पढ़ा रहे थे अपने विद्यार्थियों को तो आप क्या पढ़ा रहे थे, किस तरीके से पढ़ा रहे थे, मतलब और उनको उनसे क्या आपकी चेष्टा थी, क्या कैसा काम करें कैसा काम बनाएं? क्योंकि एक जो लोक चित्रण का जो चित्र हो, एक लोक चित्रकार जो होता है वो भी चाहता है ना कि इस ये सोच, हाँ, ये सोच कहीं जाए। और अगर आप देखें तो वीरेंद्र यादव एक ऐसे हैं जो आपका आपका नाम आगे ले चुके हैं, ले जा चुके हैं, और बहुत स्टूडेंट हैं साहब जो मेरे साथ रहते हैं, वो मेरे काम को बहुत अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन मैं उनसे एक ही बात कहता था कि आप जो भी माध्यम जो भी मीडिया और जो सब्जेक्ट आप अपने मन से लेना चाहते हो उसमें पूर्ण रूप से का प्रभाव होना चाहिए, दूसरे का उसमें परिलक्षित नहीं होना चाहिए। भले आप मेरे काम से बहुत प्रभावित हो लेकिन मेरे काम की झलक आप में नहीं आनी चाहिए, जब आएगी उसी समय आप फिर दूसरा एक अच्छी सोच को डेवलप नहीं कर पाओगे। हाँ जी हाँ, क्योंकि ये बहुत ही एक अच्छा चीज आपने कहा है, इस चीज में मैं बहुत, क्योंकि कभी कभी ये गुरु शिष्य परंपरा भी एक तरीके का शोषण हो जाता है, जहाँ पर आप अपने शिष्य का अभिव्यक्ति को बनने नहीं देते हैं, उसका सोच को नहीं बनने देते हैं। और हमने अपना जो अभी
वार्तालाप है अंबेडकर के साथ चालू किया था, और अंबेडकर भी यही कहते थे, अंबेडकर कहते थे कि मतलब मनुष्य पूजा नहीं होना चाहिए, उनको कोई पूजे ना, अंबेडकर का ना हम उनको हम ना पूजे, ना हम उन्हें गुरु जैसा देखे, उनकी लेखी को पढ़ें, उनके उनके मतलब जो उनके समझ को समझें, उनके मतलब बातों को अमल करें। लेकिन मैं भी बिल्कुल अंबेडकर वादी ही हूँ साहब। हाँ, यह मुझे आज समझ में आ रहा है, लेकिन मैं बिल्कुल उसी विचारधारा, मैं स्टूडेंट जब कहते थे कि सर आप अपना स्किट जो करते हैं आप हमको स्किट क्या प्लेटफॉर्म पर चल के बताएंगे, हम उनके साथ जाते थे स्टेशन पर बैठ के उनके साथ, हम बोले तुम शर्माओ नहीं, काम करने में शर्माहट नहीं होनी चाहिए, तुम्हें जमीन पर बैठना तो बैठो, गंदा होगा तो कपड़े धुल लिया करो, लेकिन बैठ कर पहले जो जिस कंडीशन में जैसे है वैसा स्केच करो। मेरा वाटर कलर बहुत अच्छा था, मैं उनको खुद लेकर घाट पर या बहुत जगह जाता था और उन्हें खुद वहाँ डिमॉन्स्ट्रेशन देता था, जबकि जनरली कोई टीचर ऐसा नहीं करता था। यहाँ आपके उत्तर प्रदेश में एक और भी बड़ा समस्या है ना, आप के उत्तर प्रदेश में कह रहा हूँ, लेकिन चीज ये है कि मैं देखता हूँ कि हाथ से काम करना, परिश्रम करना, मालूम है ना, बैठ के धूल में बैठ कर काम करना, वहाँ के लोगों को कभी कभी हीन नजर से देखा जाता है। हाँ, और कला तो हो नहीं पाएगा अगर आप जमीन पे गिरा कर काम ना करें, इसका तो कोई दो राय नहीं है, मालूम है, कला में तो आपको जाकर मतलब परिश्रम करना पड़ेगा, हर दिन काम करना पड़ेगा। स्टूडियो प्रैक्टिस का क्या मतलब है? आप कह रहे थे कि आप मतलब कभी बस में स्केच कर लिया करते थे, कहाँ हर जगह पर स्केच किया करते थे, लेकिन एक आर्टिस्ट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहता है कि वो हर दिन काम करे, मतलब हर दिन उसका वो परिश्रम करे। मैं यही बता रहा हूँ साहब, मैं 96 से जब भी आया हूँ, जब भी मुझे दो चार घंटे का मौका मिल जाता था क्लासेस से, तो मैं अपने रूम में बैठकर मैं काम ही करता था। मैं इधर उधर बिल्कुल कोई टाइम पास नहीं करता था। और मैं ये चाहता था कि मेरे काम को लड़के देखें और सीखें, और मैं कहता था कि एज ए टीचर अगर मैं इतने घंटे तक बैठ सकता हूँ तो तुम स्टूडेंट हो, तुम्हें तो इससे बहुत ज्यादा टाइम देना चाहिए अपने काम के प्रति। मेरी नानी बनारस से थी, उनका घर गोवर्धन सराय था, मैं बनारस को मैं तब जानता हूँ जब मैं अपने नानी का उनका अंत्येष्टि करने गया था, अंतिम संस्कार करने गया था, वो मेरा पहला एक बनारस से जो एक रिश्ता बना था, तो मतलब अपनी नानी का देह को मतलब अंतिम संस्कार देने के लिए हम लोग वहाँ पहुँचे थे, जबकि उनका वो उनका अपना घर गाँव वही बनारस की थी, आजमगढ़ से उनका परिवार कभी आया था, लेकिन उन लोग गोवर्धन सराय से थे और हम वहाँ ऐसे पहुंचे थे, फिर बनारस आना जाना हुआ, जाना आना यही सब, मतलब या किसी का शादी होता था तो साड़ी खरीदने जाते थे, या कभी पूजा पाठ को लेकर के, और हम बम्बई में पैदा हुए, बम्बई में बड़ा हुए, तो इशू यह है कि बनारस को मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन वहां से हमारा एक रिश्ता तो है, लेकिन वो क्या रिश्ता है वो मैं कभी किसी को बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि तो जो हम बनारस का देखते हैं आज तो चित्रण बहुत है बनारस का, कई चित्र हम देखते हैं बनारस का, क्योंकि अब वो बहुत सालों बाद अब एक वो मतलब राजनीतिक दृष्टिकोण से भी बहुत ही एक इम्पोर्टेंट जगह बन चुका है बनारस का, कोई उद्धार कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, लेकिन आप बनारस को कैसे देखते हैं? मैं बिल्कुल इन चीजों में बिल्कुल नहीं पढ़ता हूँ साहब। हाँ। क्योंकि पेपर में क्या कहा जा रहा है, टीवी में क्या कहा जा रहा है। हाँ। लेकिन बनारस को बनारस वाले ही उसे डेवलप नहीं होने देते हैं। हाँ। इस तरह की यहाँ पर एक मानसिकता है न साहब। हाँ। अब जैसे मैं बता दूं, मालवीया जी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को भीख मांग कर बनाए हैं, लेकिन यहाँ पर एक मैं विशेषकर किसी जात धर्म को नहीं जोड़ना चाहता हूँ, लेकिन बिना कहे ही वो मानसिकता वहाँ पर इतनी प्रबल हो जाती है ना, उसके अलावा दूसरे को ये लोग
कुछ समझते ही नहीं है। वही एक चीज है जो मैं भी देखता हूँ, लेकिन ये अभी समय ऐसा है, और समय में के साथ धैर्यवान होना बहुत ही बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बहुत जरूरी होता है साथ। हाँ। उन चीजों में हम अगर बह गए ने, हाँ, जैसे जिस तरह से अम्बेडकर जी अगर अपने बचपन में उनके साथ दुनिया भर की इतनी सारी समस्याएं थी, अगर उस समस्याओं से वो उसी में उलझ कर लड़ना शुरू कर दिए होते तो फिर अम्बेडकर नहीं हुए होते। जी सर। तो कहीं ना कहीं हमें अवॉइड तो करना पड़ेगा, लेकिन अपने काम के प्रति ईमानदारी तो रखनी ही पड़ेगी कि हम उससे नहीं जाने जाएंगे, हम जो अभिव्यक्ति करेंगे उससे जाने जाएंगे अगर कर सका तो। सर यही तो लोक चित्रकार का परिचय है सर, इसलिए मुझे वो काम अच्छा लगता है, और इसीलिए मैं आपसे बात करके मुझे बहुत धन्यवाद साहब, मुझे अच्छा लगा कि आपको मेरा काम पसंद आया।